लास्ट वीडियो में हमने सीखा दोस्तों कैसे हम फ्रैकेट ट्रांसपोर्ट मार्केट के कंफर्म ऑर्डर में बुकिंग के हमारे व्यू कोड में जाकर कंफर्म ऑर्डर में हमारा जो ऑर्डर कंफर्म हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे आप अपलोड करें, आपके LR, आपका इनवॉइस, आपका ईवे बिल। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपकी ट्रिप कंप्लीट होने के बाद कैसे आप उसको रेटिंग करेंगे। सो आप ये यहाँ से मेनू बार में जाकर ये यहाँ पर हिस्ट्री राइड हिस्ट्री में जाएंगे। राइड हिस्ट्री में देखिए दोस्तों आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा, ट्रिप का टाइप वगैरह, डिटेल वगैरह, फ्रेट वगैरह क्या था। और ये आप यहाँ से व्हीकल को उसकी POD चेक कर पाएंगे, अगर उसने POD अपलोड किए हैं तो। अगर उसने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो डॉक्यूमेंट्स LR वगैरह अपलोड किए होते तो देख पाते। यदि उसने ट्रिप के ट्रैकिंग कहीं पर हुए है तो ये देखिए ये ट्रैकिंग जो लास्ट ट्रैकिंग हुआ है वो देख पा रहे। और यहाँ से व्यू डिटेल्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि किस आपके आउटस्टोर पर्सन ने मटेरियल आउटस्टोर से डॉक्यूमेंट गाड़ी ड्राइवर को हैंडओवर किए थे और गुड्स हैंडओवर किया था, और अनलोडिंग पॉइंट पर किस पर्सन ने आपका मटेरियल रिसीव किया है और डॉक्यूमेंट्स रिसीव करके दिए। सो ये हो गया आपका राइड हिस्ट्री में। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइव आपकी ट्रिप ख़त्म होने के बाद आप ड्राइवर को यहाँ से रेटिंग कर सकते हैं आपकी ट्रिप के अमाउंट के हिसाब से, आप जो भी इसको रेटिंग करना चाहते हैं। और ड्राइवर बिहेवियर, नाइस ड्राइवर बिहेवियर या गुड ड्राइवर बिहेवियर डाल सकते हैं, या ऑन टाइम डिलीवरी अगर आपको मिले है तो ऑन टाइम डिलीवरी भी आप ऐसा डाल सकते हैं करके, डाल के आप ऑन टाइम डिलीवरी डाल के 5-star रेटिंग करके आप ऐसे तरीके से सबमिट कर सकते हैं। सो देखिए ये आपका रेटिंग सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और इस तरीके से आप ड्राइवर को रेटिंग देने के बाद नेक्स्ट टाइम उस ड्राइवर का जो भी मतलब ट्रिप यूज़ कर रहे हैं उनको उसके रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट करने के लिए मौका मिलता है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नया कंटेंट जिसमें ये कैसे आप अपने पॉकेट को मेंटेन करेंगे, कैसे आप पॉकेट रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे।